एग्जाम फोर, स्वागत है सभी का एग्जाम फोर में। हमें एग्जाम फोर कलम से क्रांति, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से, और हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है, कैसा रहा आपका संडे, कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया है या फिर वेस्ट किया है, एक बार सभी जरूर कमेंट कर देंगे फटाफट से। कल हुई थी हमारी करंट अफेयर की स्पेशल क्लास, तो आप में से कितने बच्चों ने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है, एक बार बता दीजिएगा कि आप में से किस किस ने वो क्लास जो है बेटा आपकी नहीं देखी है, बताएंगे आप लोग, ठीक है, कि जी मैम हम देख चुके हैं या फिर आपने नहीं देखी है, एक बार सभी जो है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने क्लास देखी कल वाली या नहीं देखी, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपके सीईटी मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें या आपके ग्रुप डी एग्जाम की हम बात करें, तो दोनों में ही हरियाणा का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा लीजिए कि हरियाणा जीके और करंट अफेयर वाले सेक्शन से आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं भाई, अभी जो है इस सेशन में हम करंट अफेयर के और हरियाणा जीके के सेम उसी लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही आसान हरियाणा जीके भी देखने को मिलेगी, लेकिन हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे आपको एकदम, ठीक है भाई, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। फटाफट से एक बार सेशन को लाइव ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम करते हैं सेशन की शानदार शुरुआत, ठीक है। चलिएगा भाई, देखेंगे आप सभी, पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, पूछा गया है आपसे, बताइए कि इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं था, महावीर प्रसाद जी नहीं थे, आचार्य देवव्रत नहीं थे, जयसुख लाल हाथी नहीं रहे कभी, या फिर बाबू परमानंद जी। क्या आंसर देंगे आप सभी, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि भाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। सभी बच्चे जो है यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट कर देंगे, है ना। बहुत अच्छे, ठीक है, बताइएगा तो क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर, जल्दी से एक बार फटाफट से आप सभी कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये होगा जी मैम आपका राइट आंसर, जल्दी से देखिएगा। तो यहां पर देखेंगे आप सभी महावीर प्रसाद जी, ठीक है, कौन लिखा हुआ है महावीर प्रसाद जी, तो ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, जयसुख लाल हाथी जी ये भी रह चुके हैं, बाबू परमानंद जी ये भी रह चुके हैं, लेकिन आचार्य देवव्रत नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं भाई आपके, आचार्य देवव्रत नहीं रहे हैं, याद रखेगा, ठीक है। तो ये आपके कहां के, गुजरात राज्य के, है ना, हरियाणा के नहीं, गुजरात के मुख्य राज्यपाल जो है आप कहेंगे कि रह चुके हैं, लिख लीजिएगा। और अगर हम राज्यपाल पद की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल के लिए उम्र जो है आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष, कार्यकाल कितने समय का होता है आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि कार्यकाल होगा मैम 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है भी, कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल जो है आपका होता है, लिख लीजिएगा। आर्टिकल 153 आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, यानी कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये जो है आपका किसके तहत, आर्टिकल 153 के तहत होगा, याद रखिएगा, ठीक है, किसके तहत होगा बेटा, आर्टिकल 153 के तहत होगा। तो यहाँ पर हरियाणा के पहले राज्यपाल आपसे पूछेगा, तो पहले राज्यपाल आपके धर्मवीर जी थे, कौन थे बेटा आपके धर्मवीर जी, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल किन राज्यपाल का रहा है, ओम प्रकाश वर्मा जी का, किनका रहा है आपका, ओम प्रकाश वर्मा। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी का, किनका रहा है आपके, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइएगा हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे कि वर्तमान में राज्यपाल है
बंडारू दत्तात्रेय जी, ठीक है भाई, बंडारू दत्तात्रेय जी आपके राज्यपाल। ये भी पूछा गया है कि बताइएगा किस राज्य से है, आप कहेंगे तेलंगाना से है। कहां से है आपके? तेलंगाना से। फिर आपसे पूछेगा बताइएगा हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल है, तो आप सभी कहेंगे कि मैम ये हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल है। कौन से राज्यपाल है भाई? 18वें राज्यपाल है कौन आपके? बंडारू दत्तात्रेय जी। तो याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा हरियाणा के राज्यपाल से ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर बनाना आना चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइएगा। हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो आपका MHA है, भारत का जो गृह मंत्रालय है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी कहेंगे कि मैम हेडक्वार्टर जो है आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है आपके? नई दिल्ली में। लेकिन यहां पर आपसे नई दिल्ली में पूछा है कि नई दिल्ली में कहां पर है, नई दिल्ली में MHA का हेडक्वार्टर आपसे पूछा है कि बताइए कहां पर। तो आप कहेंगे भी गृह भवन में है, नॉर्थ ब्लॉक में है, शास्त्री भवन में है, प्रधानमंत्री आवास में। ये भी हरियाणा SSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है वो कुछ कुछ इसी प्रकार से आपके एग्जाम में रहने वाला है, याद रखेगा। तो आंसर देंगे आप सभी, बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। सभी आंसर देंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। मेरी आवाज गूंज रही है? गूंज रही है मतलब कैसे, ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि गूंज रही है वैसे, मतलब इको आ रही है या फिर डिस्टर्बेंस है कुछ? सबको हो रहा है कि एक दो को हो रहा है? किसी के ईयरफोन में खराबी हो, बोले मैडम की क्लास में खराबी है, है? तो होते नहीं कि जो तारों को ऐसे घुमा घुमा के मोड़ मोड़ पे फिर वो गाने सुनते हैं, वैसे स्टूडेंट तो नहीं हो ना तुम? फटाफट से आंसर दो, क्या आंसर आएगा फटाफट से बताइएगा। ठीक है, रुक जाइए, तो वैसे तो स्टूडियो ऐसे ही है भाई। चलिए अब आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? तो लगभग सभी का राइट आंसर है कि मैम कह रहे करंट अफेयर, भाई सारे क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी है। नॉर्थ ब्लॉक जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर? नॉर्थ ब्लॉक जो होगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा आपका? नॉर्थ ब्लॉक आंसर आ जाएगा। अब तो हमने गेट भी खोल दिया है, ठीक है, तो बताइए अभी भी आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है, बता देंगे आप सभी। ठीक है, अमित शाह जी आपके मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं, है ना, अमित शाह जी, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, लिखेंगे आप सभी। आगे चलते हैं, देखिएगा कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइएगा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बकरी? ठीक है भाई, बकरी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है, उत्तर दीजिएगा। कापरा एगरेस हिकस आ जाएगा, बोस इंडिकस आ जाएगा, सुस स्क्रोफा आ जाएगा, ओविस एरिस आ जाएगा। आपको बताना है कि जो बकरी है, बकरी का साइंटिफिक नेम क्या होगा। सभी आंसर दीजिएगा, तो लिख लीजिएगा कापरा एगरेस हिकस आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी, है ना, कापरा हिकस जो होगा बकरी का साइंटिफिक नेम आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। पूछा गया है आप लोगों से कि 2023-24 में, ठीक है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 के तहत, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आपके कुल सतत विकास लक्ष्य हैं, जो आपके सतत विकास लक्ष्य है बेटा, वो कुल कितने हैं, उत्तर दीजिएगा। आप सभी आंसर देंगे कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ये कुल कितने हैं। ठीक है, इनमें से जो पहला लक्ष्य है, यानी कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, ठीक है, तो कोई बताएगा यहां पर, कि SDG 1 में क्या है, फटाफट से बताइएगा कि SDG 1 किससे संबंधित है, आंसर देंगे आप सभी, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में क्या है, बताइएगा। 17 गोल है, वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा कह रहा कि मैम टोटल है 17, बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें SDG 1 किससे संबंधित है आपका, नो पॉवर्टी, किससे संबंधित है बेटा, नो पॉवर्टी। तो यहां पर बोला गया है आपसे कि 2023-24 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के तहत, ठीक है भाई,
यानी कि सतत विकास लक्ष्य है वन के तहत नो पॉवर्टी के लिए कुल बजट अनुमान 4,017.91 करोड़ रुपए की कुल राशि के साथ 18 विभागों के द्वारा कितनी योजनाओं को लागू किया जाना है। आपसे ये पूछा है कि 2023-24 के दौरान, ठीक है भाई, 18 डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट हरियाणा के, 18 डिपार्टमेंट, ठीक है भाई, 4,017.19 करोड़ रुपए के साथ कितनी योजनाएं जो है आपके शुरू करने वाली है, यानी कि इस आपके जो है वित्तीय वर्ष में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वन के लिए कितनी जो है बेटा आपके यहाँ पर आपको आंसर देना है कि SDG वन के लिए कितनी जो है आपकी योजनाएं चलाई जाएंगी। आंसर दीजिएगा कितनी योजनाएं जो है आपकी बताएंगे आप सभी चलाई जाएंगी। मैडम तो आराम कर लेती लेकिन आप लोगों की गलत बात है, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, सभी सेशन को शेयर जरूर करेंगे आप लोग और आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलने के हैं। नो पॉवर्टी क्या है कि हमारा ये गोल है कि क्या नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, तो गरीबी के उन्मूलन के लिए आप समझिएगा ये जो योजनाएं है आपकी चलाई जाएंगी कितनी योजनाएं, ठीक है भाई। तो एक बच्चे का आंसर आया यहाँ पर कि मैम 81 योजनाएं आपका आंसर होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा आप सभी 81 योजनाएं जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी, अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, यानी कि अगर हम बात करेंगे पिछले वित्तीय वर्ष की, ठीक है भाई, अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो कितनी योजनाएं जो है आपकी चलाई गई थी, 79, ठीक है भाई, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी योजनाएं चली थी आपकी, 79 योजनाएं जो है, ठीक है, चली थी, याद रखिएगा। साउंड को पूछ लेते हैं, अरे सर अरे क्या मतलब साउंड प्रॉब्लम, क्या ही प्रॉब्लम आ गई, हल्की फुल्की आवाज गूंज रही होगी, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, है तुम्हें डीपी से फुर्सत है मैम, वॉल्यूम सो बैड, हो सकता है थोड़ा हल्का फुल्का डिस्टरबेंस हो, तो अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, है ना। वैसे इसमें आवाज बढ़िया आती है, दिक्कत होती नहीं है आवाज की स्टूडियो में, पता नहीं कैसे तुम्हारी क्लास को नजर लग गई है। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिएगा आप सभी, पिछले वित्तीय वर्ष में 79 योजनाएं थी, ठीक है, और यहां पर आपसे अगर पूछ ले कि बताइएगा 2023-24 के कंपैरिजन में, ठीक है, 2023-24 में 2022-23 के कंपैरिजन में जो बजट है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा 8.69% की वृद्धि जो है आपकी है, ठीक है, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष से 8.69% की वृद्धि जो है आपकी दर्ज की गई है, तो याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। आपको बताना है कि किसमें जो है आपका स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, किस आर्टिकल में, यह आपको बताना है। सभी आंसर देंगे कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत, आंसर दीजिएगा कि स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन जो है आपका किया जाता है। सभी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अभी भी दिक्कत है क्या वॉइस में, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी बेटा आपके, 28 जनवरी 1970 में जो है आपकी स्थापना हुई थी, लिख लीजिएगा। कब हुई थी आपकी 28 जनवरी 1970 में जो है स्थापना हुई थी, और भोपाल सिंह खत्री जी क्या है इसके चेयरमैन है, याद रखिएगा। कौन आ जाएंगे आपके, खत्री जी आपके चेयरमैन आ जाएंगे, लिख लेंगे आप सभी। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है या फिर सुनाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल, तो किस प्रकार की समस्या है, ऐसे कमेंट करोगे तो कैसे पढ़ाया जाएगा। जल्दी से बताइए एक बार फटाफट,
अभी भी दिक्कत है आपको? ठीक है, तो देखिएगा 315, 318, 317 इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, यूपीएससी की, तो भाग 14 में 315 से 323 तक के आर्टिकल आते हैं, जो कि संघ और राज्यों में ये जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसकी नियुक्ति से संबंधित है। याद रखिएगा यहां पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, आंसर दीजिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SJHIFM, बताएंगे आप सभी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, उत्तर दीजिएगा। ये भी आपके इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। SJHIFM, स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट, दूसरा है आपका स्वर्ण जयंती हरियाणा इंटरनेट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट, तीसरा है आपका स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन मैनेजमेंट, और चौथा है आपका स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मॉडल। तो लिख लीजिएगा आप सभी यहां पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो लिखेंगे आप सभी स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट। ठीक है भाई, ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल, आप कहेंगे यहाँ पर स्वर्ण जयंती हरियाणा फॉरेन मैनेजमेंट नहीं होता है आपका, फिस्कल मैनेजमेंट होता है। क्या होता है बेटा आपका, फिस्कल मैनेजमेंट होता है, फॉरेन मैनेजमेंट नहीं होता है। ये तीनों ऑप्शन मैंने ही बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ए आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आएगा आपका, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे कि थानेसर में जो मिट्टी आपको मिलेगी उसे जो है बेटा आपका क्या कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा। बताएंगे आप सभी क्या कहा जाएगा, तो देखिएगा नेली कहा जाता है, लिखेंगे आप सभी। एक और क्वेश्चन आता है कि शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में, मतलब शिवालिक का मतलब है कि हरियाणा में जो शिवालिक का रीजन है, पंचकुला अंबाला यमुनानगर के दक्षिण में एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में जो मैदान है इसे हम क्या कहते हैं, गिरिपादीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गिरिपादीय मैदान, और गिरिपादीय मैदान को घर या कंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, घर या कंधी कहा जाता है आपके स्थानीय भाषा में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, लिख लेंगे आप सभी। हरियाणा सीटी प्री वाले एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइएगा किन जिलों में शिवालिक का विस्तार है। तो तीन जिलों में शिवालिक का विस्तार है, पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में। और अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के किन जिलों में अरावली का विस्तार है, तो आप कहेंगे कि दक्षिण हरियाणा में। कौन से हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में। और शिवालिक का विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी हरियाणा, मुख्य रूप से आपका उत्तर पूर्वी हरियाणा में आपको शिवालिक का विस्तार मिलेगा। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका कि NH-71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है, उत्तर दीजिएगा। आपको आंसर देना है यहां पर कि NH-71A हरियाणा के किन शहरों को जोड़ता है, उत्तर दीजिए। क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे आप सभी। NH-71A, ठीक है भी, NH-71A हरियाणा के किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, उत्तर दीजिएगा। तो लिखेंगे आप सभी NH-71A रोहतक और पानीपत को कनेक्ट करता है, रोहतक को पानीपत से। ठीक है भी, तो रोहतक टू पानीपत जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आएगा आपका, रोहतक टू पानीपत जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। HHRC की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HHRC। सभी आंसर देंगे यहाँ पर कि HHRC का क्या मतलब होता है, बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बताएंगे आप सभी क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर HHRC का। ठीक है भाई, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए
एचएएचएआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? भाई सेशन को शेयर भी कर दीजिए आप लोग, हैं? हरियाणा मानव अधिकार आयोग होता है, बेसिकली हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन होता है। क्या होता है आपका? हरियाणा, हरियाणा मानव अधिकार आयोग होता है बेटा। क्या होता है आपका? हरियाणा मानव अधिकार आयोग होता है, लिख लीजिएगा। यानी कि हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन जो होगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में कहाँ पर है आपके? सेक्टर 33A, लिख लीजिएगा, सेक्टर 33A, और चंडीगढ़ जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा कौन है आपके हरियाणा के इस वक्त हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो आप सभी क्या कहेंगे? चेयरपर्सन जस्टिस एस के मित्तल है। कौन है आपके? जस्टिस एस के मित्तल, तो लिख लीजिएगा जस्टिस एस के मित्तल, इसके जो है बेटा आपके चेयरमैन है। ठीक है भाई, जस्टिस एस के मित्तल के आ जाएंगे आपके चेयरमैन आ जाएंगे, और इसमें अन्य सदस्य भी होते हैं, तो सदस्यों के नाम याद रखेगा। एक तो दीप भाटिया जी, ठीक है, दीप भाटिया और एस के पुरी, सॉरी के सी पुरी, है ना। एक तो दीप भाटिया है इसमें सदस्य के रूप में, और एक है आपके के सी पुरी जी। कौन है भाई आपके? के सी पुरी। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन की बात हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा कि हरियाणा में किस साल को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था। आपको बताना है कि हरियाणा में किस साल को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था। उत्तर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे कि हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था। जल्दी से आंसर दीजिएगा, और सभी एक बार प्लीज सभी मिल करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आगे आपको और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बताएंगे आप सभी क्या होगा आपका राइट आंसर। ऊर्जा वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया था, बताइएगा। हां जी, एसके मित्तल जी हेड है, बिल्कुल सही बात है, 2011। तो 2011 वालों को कल्याण हो गया, गलत आंसर है, लिख लीजिएगा। 2010 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2010 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो आपसे पेपर में पूछेगा, बताइएगा कि सोलर सिटी किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, सोलर सिटी, तो आप कहेंगे गुरुग्राम को कहा जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? जी आपके गुरुग्राम में है। ठीक है, आपसे पूछेगा, बताइएगा हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है भाई, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मतलब हरेडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताइएगा ये किस प्रकार की ऊर्जा के लिए, तो आप कहेंगे कि ये जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। आपसे पूछता है, बताइएगा हरेडा किस प्रकार की एनर्जी के लिए, तो याद रखिएगा हरेडा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। किस प्रकार की एनर्जी के लिए? आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो लिख लेंगे आप सभी सोलर सिटी गुरुग्राम जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। हरियाणा में ब्राउन फील्ड एरिया जिले कौन से है? उत्तर दीजिएगा, आंसर देंगे आप सभी, हरियाणा में ब्राउन फील्ड एरिया जिले कौन से है? उत्तर दीजिएगा, बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा कि हरियाणा में ब्राउन फील्ड एरिया जिले कौन से है। देखो, जिलों से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो आपसे पूछेगा, बताओ हरियाणा की के बेल्ट किस लिए प्रसिद्ध है। आपकी हरियाणा की ये जो के बेल्ट है ये किस लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो आप कहेंगे कि मैम करनाल, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और आपका कैथल। ठीक है, ये जो बेल्ट है आपकी धान के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी धान के लिए प्रसिद्ध है। और करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ब्राउन फील्ड एरिया आपसे पूछा है, तो क्या आंसर देंगे आप सभी? फरीदाबाद और पलवल, लिख लीजिएगा।
फरीदाबाद और पलवल जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। फरीदाबाद जिसे आप कहेंगे कि बाबा फरीद की नगरी, क्या कहेंगे बेटा आप? फरीदाबाद मतलब बाबा फरीद की नगरी, ठीक है भाई। पलवल अपलवा, अपलवा सुर के नाम पर किसका नाम पड़ा था आपके? पलवल का नाम पड़ा, लिख लीजिएगा। तो फरीदाबाद और पलवल जो है यहाँ पर मुख्य रूप से आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य में गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। सभी को आंसर देना है कि हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत जो है आपकी कब हुई थी। फटाफट से आंसर दीजिएगा कि गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी आपके हरियाणा में, मतलब किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी। और बहुत ही गलत बात है, मतलब आप लोग सेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन देखते हैं वीडियो को, तो ऑफलाइन देखने वाले बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सेशन को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मौसम का इंतजार तो नहीं किया जाता कि कल को पेपर आ जाए, है ना, पेपर की डेट आ जाए, फिर मैं वो मौसमी मेंढक बन के निकल के आऊं तुम्हारे सामने, है कि मेरी ही क्लास तुम्हारा बेड़ा पार कराएगी। यही क्लास देख लो, यहाँ तो 2400 घंटे क्लास तुम्हारी चलती ही रहती है ना, सुबह से लेकर के चाहे संडे हो मंडे हो, क्लास तो आपकी चलती ही चलती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए, करना चाहिए ना। तो एक बार सभी सेशन को थोड़ा सा शेयर जरूर कर देंगे। और ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्लासेस में से निकल निकल के क्वेश्चन आपके सीटी में बनेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और आप खुद बोलोगे कि हाँ मैम उन क्लासेस से बहुत ज्यादा हेल्प हमें मिली है। तो बहुत ही अच्छी क्लास है, आप अच्छे से क्लास को एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दिया कीजिए, ठीक है। खासकर तब जब संडे वनडे में क्लास होती है ना, जब संडे वनडे में क्लास होती है, दौड़ भाग करके 8 बजे पहुंच पाए हैं, तो थोड़ा सा सोच लिया कीजिए, है ना। आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइएगा। 1987, वेरी गुड, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ना गीता जयंती महोत्सव की, देखो गीता जयंती महोत्सव पहले सिर्फ हरियाणा में मनाया जाता था। कहां पर मनाया जाता था बेटा आपका? गीता जयंती महोत्सव पहले सिर्फ हरियाणा में जो है आपका मनाया जाता था, लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कब मनाया गया, अगर आपसे पूछ ले तो आप सभी क्या आंसर देंगे, बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव पहली बार जो है आपका कब मनाया गया था, सभी आंसर देंगे। 2017 में इंटरनेशनल लेवल पे, वेरी गुड, ठीक है। तो 1989 आंसर दे रहे लगभग सभी बच्चे यहाँ पे, तो लिख लीजिएगा आप सभी। कहीं कहीं पे आप लोग शायद 1987 भी पढ़े, ठीक है। तो फिलहाल आप बी आंसर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों का शहर किस जिले को कहा गया है, बताइएगा, बताएंगे आप सभी कि राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों का शहर, पंडित नेहरू के सपनों का शहर था आपका चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ को बसाया गया था किसके अनुसार? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था जिसका डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने, याद रखेगा। किसने तैयार किया था बेटा आपका? ली कार्बूजियर ने, ठीक है। ये यहाँ पर ना आपका अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, अगर आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कब शुरू हुआ है, तो फिर आप कहेंगे 1987 से, है ना। और यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका? 1989, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है आपका राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे देश के, उनके सपनों का शहर कहा जाता है किसे? फरीदाबाद को। करनाल को कहा जाता है नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर, क्या कहा जाता है बेटा? करनाल को कहा जाता है नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर, कौन सा है आपका? करनाल, ठीक है। पंचकुला, पंचकुला को लिख लीजिएगा आप सभी, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है, कैसी राजधानी आपकी? हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी। और गुरुग्राम है हरियाणा की आर्थिक राजधानी, कैसी राजधानी आपकी? हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है किसे आपका? तो लिखेंगे आप सभी, गुरुग्राम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा आपके? गुरुग्राम को कहा जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है, बताइए। वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया में होगा।
ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि अपकमिंग कहाँ पर होने वाला है तो लिख लीजिएगा आपके ऑस्ट्रेलिया में होगा। लास्ट कहाँ पर हुआ था आपके? कनाडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा? कनाडा में। ठीक है, बिल्कुल राइट, तो लिख लेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है? ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। मछुआरों का स्वर्ग आता है आपके पेपर में कि किस शहर को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है? उत्तर दीजिएगा। ठीक है भाई, आंसर दीजिएगा कि हरियाणा का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? उत्तर दीजिएगा। ठीक है, हरियाणा का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? आंसर देंगे आप सभी। ठीक है, फटाफट से बताइएगा किसे कहा जाएगा। धर्मनगरी, धर्मनगरी, ठीक है, वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का पालना। ठीक है भाई, सिटी ऑफ पार्क्स लिख लीजिएगा। सिटी ऑफ पार्क्स, ये किस शहर के नाम है? तो ये आपके कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में एक स्थान है आपका थानेसर। थानेसर जो कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी था, ये वही थानेसर है। थानेसर को कहा जाता है मुगलों का द्वीप। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप। मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है हथीन कुंड को। किसे कहा जाता है आपके? हथीन कुंड को कहा जाता है। हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है छछरौली को। छछरौली जो कि कहां पर है आपके? यमुनानगर में है। क्या कहलाता है भाई आपका? हरियाणा का चेरा पूंजी कहलाता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चेरा पूंजी पब्लिक पिंडू पढ़ ले शांति से। ठीक है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य में, ठीक है भाई, कितने स्थानों पर अटल किसान मजदूर कैंटीन की स्थापना की है? आंसर देना है आपको कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने, ठीक है भाई, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा राज्य में कितने स्थानों पर अटल किसान मजदूर कैंटीन की स्थापना जो है आपकी की है? उत्तर दीजिएगा। और कितने अटल किसान मजदूर कैंटीन, ये पेपर में फुल फॉर्म भी आ सकती है, लिख लीजिएगा। अटल किसान मजदूर कैंटीन हरियाणा में कितनी प्रस्तावित है कि नहीं बनेंगी? ठीक है भाई, मजदूरों को कितने रुपए में खाना? तो आप कहेंगे कि 10 रुपए में, है ना, 10 रुपए में। ठीक है, लिख लीजिएगा, 10 रुपए में थाली मिलती है आपकी। तो आप सभी क्या आंसर देंगे, कितने? तो सभी का आंसर आ रहा है कुछ का 15, कुछ का 25, कुछ का तुक्के लगाए जा रहे हैं, तो लिख लीजिएगा 25 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। और प्रस्तावित कितने हैं बेटा आपके? 15 प्रस्तावित हैं। ठीक है, कितने अटल किसान मजदूर कैंटीन आपके प्रस्तावित है? 15 कैंटीन जो है आपकी प्रस्तावित है आपके राज्य में, याद रखेंगे आप सभी। कितने कैंटीन प्रस्तावित है आपकी? 15 कैंटीन जो है आपकी प्रस्तावित है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आप सभी कि यहाँ पर आपका दोपहर का भोजन कितने रुपए में? 10 रुपए में प्रदान करने के लिए है, ठीक है, किसान और मजदूरों के लिए। और यहाँ पर नए जो प्रस्ताव है, यानी कि कितनी नई AKMC बनाई जाएंगी, तो अटल किसान मजदूर कैंटीन जो आपकी नई बनेंगी वो है आपकी 15। कितने भाई आपकी? 15 है, याद रखिएगा। ठीक है, 15 आपकी प्रस्तावित है, 25 जो है आपकी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है, बताइएगा। ठीक है, आपको आंसर देना है कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहां पर, यानी कि किस स्थान पर स्थित है? उत्तर दीजिएगा। आंसर देंगे आप सभी, अटल बिहारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहां पर है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, तो आप कहेंगे कि मैम फरीदाबाद, लेकिन सब में ही तो फरीदाबाद लिखा है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, ठीक है, छैनसा फरीदाबाद, सेक्टर 6 फरीदाबाद। सेक्टर 6 फरीदाबाद में तो क्या है आपकी? YMCA, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि YMCA फरीदाबाद में कहां पर है, तो आप कहेंगे कि YMCA फरीदाबाद में सेक्टर 6 में है। कहां पर है आपके? सेक्टर 6। अब यहां पर क्या आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर आएगा छैनसा फरीदाबाद। कहां पर बेटा? ये आपके छैनसा फरीदाबाद में, लिख लीजिएगा। बी आंसर आएगा, लिखेंगे आप सभी। हरियाणा रोडवेज विभाग ने
पीपीपी मॉडल पर किस बस टर्मिनल का विकास किया है? आपसे पूछा है, बताइएगा कि हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है भाई, हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट के द्वारा आपसे पूछा गया है, बताइएगा, ठीक है भाई, हरियाणा रोडवेज विभाग के द्वारा पीपीपी मॉडल पर कितने जो है आपके यहां पर आपको आंसर देना है, बस कौन सा बस टर्मिनल जो है आपका विकसित किया गया सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन सा बस टर्मिनल पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया, तो लिख लेंगे आप सभी, लगभग सभी का गलत आंसर आता हुआ डी आंसर दे रहे, कुछ सी आंसर दे रहे, एनआईटी फरीदाबाद, क्या आंसर आएगा यहां पर आपका, एनआईटी फरीदाबाद जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल जो है आपका, ठीक है भाई, ये जो है आपका पीपीपी मॉडल पर आधारित पहला बस टर्मिनल है आपके राज्य का, ठीक है, पीपीपी मॉडल पर आधारित पहला बस टर्मिनल है आपके राज्य का, याद रखिएगा, तो नोट करेंगे आप सभी, पीपीपी मॉडल पर गुरुग्राम, करनाल, पीपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में भी बस स्टैंड बनेंगे, मतलब कि जो गुरुग्राम का बस टर्मिनल है, करनाल का बस टर्मिनल, पीपली की अगर हम बात करेंगे, सोनीपत की और बल्लभगढ़ की, ये सभी भी आपके पीपीपी मॉडल पर डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा जो बस स्टैंड या बस टर्मिनल जो है आपका पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, अरे वजीर तो तुमने ही तो लिखा है 60 बार, एक ही बच्चा तो लिख रहा है 60 बार, तो एक का आंसर पेपर में तुम्हारा आंसर सही होगा कि सबका आंसर सही हो जाएगा, है तुम्हारा सही होने से तुम्हारा ही सही होगा ना, बाकी सबका तो गलत है जिसने गलत दिया, अरे मैडम झूठ मत बोले, मैडम झूठ बोल के कहां जाएगी ये बता, और क्या ही आफत आन पड़ी तुम्हें झूठ बोलने की, तुम बड़े तेज बालक हो तेज, इसका आंसर दो, क्या आंसर होगा कि हरियाणा सरकार ने किस कक्षा में पढ़ने वाले एससी छात्रों को, सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के छात्रों को, याद रखिएगा, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो आपकी गर्ल्स हो, ठीक है भाई, साइकिल फ्री बाइसाइकिल प्रदान देने की, या फिर आप कहेंगे कि फ्री बाइसाइकिल की जो एक स्कीम चलाई कि भाई मुफ्त साइकिल प्रदान की जाएगी, ये किस कक्षा के बच्चों के लिए, ये किस कक्षा के बच्चों के लिए, सभी आंसर देंगे, ठीक है, सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका यहां पर राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा किस कक्षा के बच्चों के लिए, जल्दी से, तुम्हें एनआईटी की फुल फॉर्म नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि एनआईटी कुरुक्षेत्र क्या है, है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं पता, पेपर में तो क्वेश्चन भी आता है कि बताइए एनआईटी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, तो क्या आंसर देके आते हो कि एनआईटी की फुल फॉर्म ही नहीं पता, स्थापना तब बताएंगे हम, है एनआईटी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, 1963 में, पता है कि नहीं पता आप लोगों को, चेयरमैन कौन है आपके, डॉक्टर सतीश कुमार जी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है आपका एनआईटी, क्या होता है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चलिए ठीक है प्रिंस कुमार, और यहाँ पे क्या उत्तर आ जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर दे रहे आधे दसवीं क्लास, कुछ कह रहे बारहवीं क्लास, ठीक है लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा छठी क्लास, ठीक है, अगर 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्या है भाई आपका स्कूल है, ठीक है, 2 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल अगर नहीं है तो उन छात्रों को क्या प्रदान की जाएगी, मुफ्त बाईसाइकिल, लेकिन ये सरकार नहीं देगी तो फिर सरकार क्या करेगी, जो छात्र है या छात्रा है, छात्र या छात्रा को स्वयं क्या करनी होगी, अपनी बाइसाइकिल खरीदनी होगी, ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल या फिर आप कहेंगे जो भी आपका अलॉटेड स्टाफ है वो उसके बिल को, ठीक है, और उसकी कैटेगरी को कि वो एससी कैटेगरी से है, क्या करेगा यहाँ पर वेरीफाई करेगा, ठीक है, वेरीफाई करके फिर वो अपने आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगा, तो उसका जो अकाउंट लिंक होगा उस अकाउंट में सरकार क्या करेगी, पैसा भेज देगी, क्या करेगी भाई, पैसा भेज देगी, है ना, मतलब सरकार देने रही है कि लो साइकिल ले लो, ठीक है, तो वहां पर सरकार क्या करेगी भाई, पैसा आपका ट्रांसफर कर देगी, तो ये छठी कक्षा के लिए है, कौन सी कक्षा के लिए है आपका, क्लास 6 के लिए है, ठीक है भाई, किसके लिए है आपका, क्लास 6 के लिए है, क्लास 6 के लिए है, याद रखिएगा, लड़कियों के लिए
आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है बताइएगा। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए आपको बताना है कि लड़कियों की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए आंसर दीजिएगा कौन सी योजना जो है आपकी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, इसके लिए कितना बजट जो है आपका अप्रूव किया गया। तो ये आपकी कैटेगरी के अनुसार होता है कि आप एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाई कर रही हो या फिर आप सेकेंडरी लेवल पे हो, यानी कि आपके लेवल के अनुसार गर्ल्स के, ठीक है भी, कैटेगरी के अनुसार क्या किया जाता है यहाँ पर पैसा अलॉट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी कौन सा स्कूल है, क्या किया जाता है आपका पैसा प्रदान किया जाता है, यानी कि बजट में इसका एलोकेशन होता है। और हरियाणा राज्य सरकार ने, तो अब आप लोग अपने आंसर देख लीजिएगा, मोस्टली सभी का राइट आंसर है, ठीक है, सभी का राइट आंसर है कि रानी लक्ष्मीबाई, तो लिखेंगे आप सभी रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा और शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है, लिख लीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत जो छात्राएं हैं उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है भाई, आगे चलिए, आगे देखेंगे आप सभी कि 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए मरणा व्रत की घोषणा की थी, आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, कि मरणा व्रत की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, उत्तर दीजिएगा सभी, आंसर देंगे आप लोग कि मरणा व्रत की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, उत्तर दीजिए, बताएंगे आप सभी कि क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर, मरणा व्रत की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, उत्तर दीजिएगा, है ना। आप सभी जानते कि हरियाणा का जो गठन किया गया है वो भाषाई आधार पर किया गया है, हरियाणा और पंजाब किस आधार पर अलग हुए थे, आपके भाषा के आधार पर। ठीक है, तो पंजाबी सूबा आंदोलन आपका हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, सिखों के नेता फतेह सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है भाई, किनके द्वारा, सिखों के नेता फतेह सिंह के द्वारा, आप कहेंगे यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या किया गया था भाई, यहाँ पर मांग जो है आपकी की गई थी, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर, आपको ये बताना है कि मरणा व्रत की घोषणा किसने की थी, मरणा व्रत की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, बहुत अच्छे। ठीक है, पंजाबी सूबा आंदोलन याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे आप सभी पीर ज़ादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, पीर ज़ादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा जो है आपकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि मांग किसने की थी, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि लिख लीजिएगा फतेह सिंह जी के द्वारा की गई थी, है ना भाई, फतेह सिंह जी के द्वारा, तो लिख लेंगे आप सभी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि हरियाणा प्रदेश में बादर क्षेत्र में होली के मौसम में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है, उत्तर दीजिएगा, बताएंगे आप सभी कि कौन सा नृत्य जो है आपका किया जाता है, बांगर क्षेत्र में किया जाता है, ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, किसके द्वारा किया जाता है बेटा, लड़कियों के द्वारा किया जाता है, आपको आंसर देना है कौन सा नृत्य है आप लोगों का, घोड़ा नृत्य। ठीक है भाई, डमरू नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। ठीक है, मंझीरा आपके जो है नू वाले रीजन में, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, लूर नृत्य। लूर का मतलब क्या होता है, लूर का मतलब होता है लड़की, क्या मतलब होता है, लड़की होता, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या किए जाते हैं, आपस में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं आपके, क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, और लड़कियां जो है क्या करती है, नृत्य करती है, याद रखिएगा। कौन से क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में किया जाता है, याद रखिएगा, है ना, बांगर क्षेत्र में किया जाता है, ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अच्छा एक और क्वेश्चन आता, बताइए हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, सबसे पुराना डांस अगर आपसे पूछ लेगा तो धमाल होता है, याद रखिएगा,
और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि खुशी का प्रतीक कौन सा नृत्य होता है, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, तो आप कहेंगे धमाल होता है। और दुख की घड़ी में यानी कि दुख के समय पर शोक का प्रतीक कौन सा नृत्य है, जब घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी पुराने समय की अगर हम बात करें तो खेड़ा नृत्य किया जाता था। कौन सा किया जाता था बेटा? खेड़ा नृत्य जो है आपका किया जाता था। तो खेड़ा होता है आपका यहाँ पर शोक की घड़ी में यानी कि दुख के अवसर पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए इनमें से किस प्रमुख आदिकवि को हरियाणा का माना जाता है, उत्तर दीजिएगा। बताएंगे आप सभी कि इनमें से किसका संबंध हरियाणा से माना जाता है, उत्तर दीजिएगा। किस आदिकवि का संबंध? गोस्वामी तुलसीदास, श्री रहीमदास, कवि चंद्रभरदाई, कबीरदास। तो आप कहेंगे कि चंद्रभरदाई का संबंध, इसीलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बताइएगा यहाँ पर जो पहला आदिकवि किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चंद्रभरदाई। और चंद्रभरदाई ने रचना की है किसकी? पृथ्वीराज रासो की, ठीक है, लिख लीजिएगा, है ना। पृथ्वीराज चौहान जी को जानते हो ना आप सभी, तरावड़ी के युद्ध आप लोगों ने पढ़े होंगे, तरावड़ी का पहला युद्ध, तरावड़ी का दूसरा, तरावड़ी यानी कि तरोड़ी आपके कहां पर? करनाल जिले में स्थित है। कहां पर है आपके तरोड़ी? करनाल में, ठीक है। मोहम्मद गोरी को हराया था पहले युद्ध में, लेकिन दूसरे युद्ध में स्वयं हार गए थे, किससे? मोहम्मद गोरी से, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिख लेंगे आप सभी, हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपो की संख्या कितनी है बताइएगा, ठीक है भाई। ये आपको बताना है आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, उत्तर दीजिएगा कि जो आपके बस डिपो है इनकी संख्या कितनी है। सभी आंसर देंगे कि बस डिपो की संख्या कितनी है, उत्तर दीजिएगा फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है, कि बस डिपो की संख्या कितनी है आपके राज्य में। बस डिपो की संख्या आपसे पूछी है, ठीक है, हाँ सेकंड में हार गए थे, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बच्चे कह रहे कि मैम 24 आ जाएगी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। यहाँ पर कितने हैं बच्चे आपके? 24 हैं, लिख लीजिएगा। 24 जो है आपके बस डिपो है आपके हरियाणा में। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था बताइएगा, आंसर देंगे आप सभी क्या था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए उत्तर भारत का भूकंप मापी केंद्र कहां पर है, ठीक है, हरियाणा का गेटवे किसे कहा जाता है, हरियाणा का गेटवे किसे कहा जाता है, उत्तर दीजिए। तो आप सभी क्या आंसर देंगे फटाफट से कमेंट कीजिएगा, तो भी आप आंसर दोगे कि मैडम जी बहादुरगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपके? बहादुरगढ़ को कहा जाता है, लिख लीजिएगा। बहादुरगढ़ का पुराना नाम आपसे पूछा तो आप कहेंगे सरफाबाद। पहले क्या नाम था आपका? सरफाबाद नाम था, लिख लीजिएगा। 1857 की क्रांति में बहादुरगढ़ से किसने जो है भाग लिया था, तो आप कहेंगे नवाब बहादुर जंग ने। किसने भाग लिया था भाई? नवाब बहादुर जंग के द्वारा 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया गया था, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बताइएगा झज्जर, बहादुरगढ़ कहां पर है आपके? झज्जर जिले में। तो झज्जर का नाम किसके नाम पर है आपके? छज्जू, छज्जू किसान या फिर छज्जू जाट के नाम पर पड़ा, ठीक है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम आपसे पूछेगा कि बताइए महेंद्रगढ़ का, अभी सीईटी वाले एग्जाम में भी आया था कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम बताइए, तो आप कहेंगे कन्नौड़। कन्नौड़ का किला भी है आपके महेंद्रगढ़ में, ठीक है। और डोसे की पहाड़ी भी कहां पर आ जाएगी? कुरदासपुर, महेंद्रगढ़, अरावली रेंज जो कि आपके हरियाणा में पड़ती है ना, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी अगर आप हरियाणा में पूछोगे कौन सी है, तो आपकी डोसे की पहाड़ी, कुरदासपुर, याद रखिएगा। और डोसे की पहाड़ी से किसका संबंध है? चवर्ण ऋषि का। किसका संबंध है भाई आपके? चवर्ण ऋषि का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे आप सभी, कहां से आपके? पुराने नाम वगैरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा पूछा गया है आपसे कि किस जिले में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, उत्तर दीजिएगा। किस जिले में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? चरखी दादरी में किया जाएगा, आपके राज्य का सबसे नया यानी कि 22वां जिला जो कि भिवानी से अलग होकर के बनाया गया, ठीक है भाई। किससे अलग करके बनाया गया? आपके भिवानी से अलग करके बनाया गया, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ आप कहेंगे सोनीपत को, या फिर स्वर्णप्रस्थ भी कहते हैं। पंचकुला, पांच कूपों का शहर, ठीक है, पंचकुला। गुरु द्रोण की नगरी, गुरुग्राम,
बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरखी दादरी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चरखी दादरी का जो नामकरण किया गया है वो दादुर मेंढक के नाम पर किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि चरखी दादरी का नाम पड़ा चरखी दादरी दादुर मेंढक के नाम से, ठीक है, दादुर मेंढक था, ठीक है भाई। हिलना पत्थर भी आपको कहां पर मिलेगा, आपके चरखी दादरी में मिलेगा। हिलना पत्थर भी कहा जाता है आपका, डांसिंग स्टोन भी कहा जाता है, संग ए लर्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, संग ए लर्जा भी कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये सभी जो ऑप्शन है आपके चरखी दादरी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा में वेटरनरी पेट क्लिनिक कहां पर खोला जाएगा बताइएगा, ठीक है भाई। पशुओं के लिए होता है, वो पशु जो आपके पेट है, ठीक है भाई, पेट है उनके लिए क्लिनिक खोला जाएगा, कहां पर खोला जाएगा उत्तर दीजिए। आप लोग आंसर देंगे यहां पर, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा कि अगर हम बात करेंगे आपके पशु ब्लड बैंक की कि हरियाणा राज्य में पशु ब्लड बैंक कहां पर है उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लुआस हिसार में है, कहां पर भाई, लुआस हिसार में स्थित है, लिख लीजिएगा, ठीक है। पशुओं से आपसे और भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि हाल ही में जो गिर गाय है आपकी, गिर गाय का क्लोन तैयार किया गया है, इसका नाम बताइएगा, तो गंगा नाम है। क्या नाम है भाई आपका, गंगा। और किस गाय ने सबसे अधिक दूध देकर के रिकॉर्ड बनाया, तो उस गाय का नाम है रानी। क्या नाम है आपका, रानी। और भैंस का क्या नाम था भाई, रेशमा। क्या नाम था आपका, रेशमा। तो ये भी याद रखिए। और ये जो पेट क्लिनिक है आपका, ये राज्य में कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो लिख लेंगे आप सभी, ये जो है आपके राज्य में फरीदाबाद और गुरुग्राम जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। किस जिले में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा राज्य की, अगर हम बात करेंगे हाल ही में हरियाणा राज्य की चौथी पुलिस कमिश्नरी कहां पर स्थापित की गई है बताइएगा। चौथी पुलिस कमिश्नरी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा राज्य में पहले तीन पुलिस कमिश्नरी थी, हाल ही में चौथी पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई है, ये कहां पर बनाई गई है, तो आप कहेंगे सोनीपत जिले में। कहां पर बेटा आपके, सोनीपत में। और सोनीपत में ही आपकी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की जाएगी, ठीक है भाई। तो क्या आंसर आएगा आपका, सोनीपत आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका, सोनीपत आंसर आएगा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय लिख लीजिएगा, हरियाणा राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी कहां पर है आपके, सोनीपत में। राज्य का पहला स्पोर्ट स्कूल या फिर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपसे पूछ ले तो लिख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई आपका, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल आएगा। ये भी कहां पर है आपके, राई सोनीपत में। कहां पर है आपके, राई सोनीपत में है, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है बेटा, सोनीपत आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपका, सोनीपत। सतकुंभा तीर्थ स्थल, सतकुंभा तीर्थ स्थल भी कहां पर है आपके, सोनीपत में है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि गोहाड़ा की जलेबी किस किस ने खा रखी है, सबने खा रखी होंगी, तो गोहाड़ा कहां पर है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि गोहाड़ा आपके कहां पर है, किस जिले में स्थित है उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे क्या होगा आपका यहां पर, राइट आंसर। आप मुझे ये बताइए कि 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जो है आपका प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और बजट हमारा जो है किस तारीख को पेश किया गया था, सभी कमेंट करेंगे जल्दी से, है ना, तारीख भी बताइएगा और कितने करोड़ रुपए का बजट जो है आपका पेश किया गया ये बताइए। तो ये थे आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, फटाफट कमेंट करो कि कैसे लगे आपको क्वेश्चन, है ना। तो बिल्कुल वही लेवल हमने रखने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में आता है, है ना, जो आपके एग्जाम में लेवल आता है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हमने करने की कोशिश की है। वही 25 से 27 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 25-27 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। आपके जो मेंस एग्जाम के बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे ईवीएस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका,
रूरल मार्केटिंग है आपका, इकोनॉमिक्स है आपका, हरियाणा इकोनॉमी है आपका, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके जीएस हरियाणा जीके करंट अफेयर मैथ रीजनिंग कंप्यूटर जीएस चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा आपके ग्रुप नंबर 56-57 का और ग्रुप डी का भी। साथ में आपके इलेक्ट्रिकल डोटमैन वाली जो पोस्ट है वो भी इसमें कवर है आपके सुल्तान बैच में। 50% डिस्काउंट आप सभी के लिए है, मेंस 50 कोड का यूज करोगे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बढ़िया शानदार जबरदस्त क्लासेज आपकी चली हुई है, आप सभी भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो हमने अभी आपसे पूछा, सभी बच्चे अधिक से अधिक कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो सभी जरूर कमेंट कीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। इसमें साउंड प्रॉब्लम था।